नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज वन की संतकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। रिटायरमेंट के पूर्व वसूली में जुटे पुलिस अधीक्षक, अपने जाति वालों को दिया जा रहा थाना, कहा मनगावा विधायक पंचूलाल ने। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लिखित में देने किसानों ने MSP दिवस मना, रीवा संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा। IPL के सट्टे पर पुलिस का छापा, 6,800 रुपए सहित एक आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में बढ़ते आपराधिक प्रकरणों को देखते हुए रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है तथा जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखकर लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर गाज गिराई जा रही, जिसके तहत विगत 2 दिवस पूर्व मनगावा थाना प्रभारी सुरेश कुमार शुक्ल पर निलंबन की कार्रवाई की गई थी और इस निलंबन के साथ ही राजनीति शुरू हो गई तथा भाजपा विधायक द्वारा पुलिस अधीक्षक पर द्वेषपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया गया। वह निलंबित थाना प्रभारी सुरेश कुमार शुक्ल को यथावत करने की बात कही, जिसके लिए भाजपा विधायक पंचूलाल प्रजापति द्वारा गृह मंत्रालय को पत्र लिख मनगावा SDOP SK निगम को हटाने व सुरेश कुमार शुक्ल को यथावत करने की मांग की। साथ ही विधायक ने SP को जातिवाद एवं वसूलीबाजी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिले में SP की पदस्थापना के साथ ही अपने जाति के लोगों को थानों का प्रभार दिया। साथ ही यह भी कहा कि SP शीघ्र रिटायर होने वाले हैं, जिसकी वजह से पैसे एकत्रित कर रहे हैं। प्रस्तुत विधायक पंचूलाल प्रजापति से जानकारी के अनुसार, वो लेटर तो मेरे ही द्वारा लिखा गया है और हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा भी लिखा गया है। सभी कार्यकर्ताओं ने इस बात पे खेद प्रकट किया है कि जो ये TI अभी शुक्ला थे, उनका जो स्थानांतरण किया गया है वो दुर्भावपूर्ण है और उसे कूट रचित करके SDOP के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने निलंबित किया है। इसलिए कि SDOP भी जो है उसी षड्यंत्र पे, और ये जब से आए हैं, अभी इनको 2-3 महीने हुआ, जब से आए हैं तो पूरे थानाओं में एक जातिवाद का नारा फैला दिया और आज तक ऐसा हम SP नहीं देखा कि मतलब जहां देखे ठाकुर। अब सिटी कोतवाली में थे आदित्य प्रताप, थे रायपुर में थे मृगेंद्र सिंह और SI हैं, पनवार में विजय सिंह, जमा में कन्हैया लाल सिंह, सिरमौर में BR सिंह हैं, मऊगंज में विनोद सिंह, बिछिया में जगदीश सिंह, मतलब अच्छा समरजीत के पता नहीं उसमें समरजीत को वहाँ भी लाना चाह रहे थे कि समरजीत भी, परंतु किसी कारण से जब गृह मंत्री ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, जो विधायक जी कह रहे हैं वही होगा, तो समरजीत तो भी विवश होकर के दूसरी जगह चला गया। फिर इसके बाद विद्यावारी को लाना चाहिए, भाई क्या जरूरत थी कि नई गढ़ी से इनका स्थानांतरण कर दिए। अब फिर जब वहाँ आए और फिर बैकुंठपुर पदस्थापना के लिए गए, फिर आप नई गढ़ी ले गए। सुरेश शुक्ला के पहुँचते ही अपराध लगातार बढ़ रहा था। देखिए सुरेश शुक्ला जो है, जब से गए आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि अपराधों में बहुत सारी कमी आई है। दलालों का जो अड्डा था वो पूरी तरह से बंद हो चुका है और जो इन्होंने नोटिस दिया है उनको सस्पेंड का वो किया है, तो एक बच्ची के अपहरणकर्ता के पिता को बैठाने के उसमें ही वो कहा है कि बैठा करके आपने 36 घंटा बैठा रखा था, इस कारण से हमने निलंबित कर रहे हैं, जबकि उनसे IG साहब से अनुमति लेने की ज़रूरत थी कि भाई इसमें क्या करना चाहिए। बेगैर अनुमति के SP ने सीधे उठा करके और उसे सस्पेंड करके और लाइन हाजिर कर। दो बड़े अधिकारी SDOP और SP दोनों क्या गलत कर सकते हैं? नहीं, SDOP किया ही, SP के इशारे पर किया, SP के कहने के मुताबिक किया। क्या मतलब था 11 बजे रात जाने के लिए, अपहरणकर्ता के लड़की के घर जाने के लिए 11 बजे रात बयान लिया जाता है, और 11 बजे रात वहां गए और उनसे बयान लिए, बयान लेने के बाद उन्होंने मनगढ़ंत रिपोर्ट दिया और इन्होंने सस्पेंड कर दिया, जबकि लड़की के पिताजी ने लिखा है कि मतलब हमको कोई किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जा रहा था, हमें सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ बैठा। क्या चाहते हैं अब आप? मैं ये चाहता हूँ कि सुरेश शुक्ला को पुनः वहाँ निलंबन बहाल करके और वहीं पदस्थापना करें। दूसरी बात, SDOP जो है यहाँ निगम, उसको भी वहाँ से हटाएं। और इसके संबंध में अब हम मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करेंगे, गृह मंत्री जी से भी चर्चा करेंगे, DGP से भी चर्चा करेंगे कि इस तरह से यहाँ आपके द्वारा भेजे गए SP इस तरह से जातिवाद का नारा लगाए हैं, और अगर वो कुछ होता है तो ईर्ष्या बस उन्होंने निलंबन करने की कार्रवाई। पत्र में आंदोलन की बात कुछ कार्यकर्ताओं ने किया है,
कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम धरने में एसपी कार्यालय पे बैठेंगे। सरकार के खिलाफ जाना भाई, सरकार के खिलाफ न्याय के खिलाफ जा रहे हैं, वही सरकार के खिलाफ थोड़ी जा रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो किया जाएगा, हालांकि ऐसा अभी उम्मीद नहीं है। हम मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, गृह मंत्री से चर्चा करेंगे। देखिए असल में है क्या, अपराध तो हो रहे, बात तो सही है। जैसे अब नई गढ़ी में अपराध हुआ, उसी अपराध के कारण से विद्या बारी को यहाँ लाइन हाजिर किया। कायदे से तो निलंबित उनको करना चाहिए, निलंबित जिस तरह से आपने उनको शुक्ला को किया है, इसी तरह से उनका भी कर देते आप निलंबन। अब मऊगंज में लहासे दो दो तीन तीन दिन पड़ी रह गई, विनोद सिंह को क्यों नहीं आपने निलंबित करके और ये लाइन हाजिर किया, क्यों नहीं करते? क्या लगता है नेतृत्व कमी है, क्या कारण है? कोई और दबाव? अब ऐसा है कि ये है एसपी साहब जो है अब आए हैं तो वो सोच रहे हैं कि अब लगता है हमको समय कम होगा, तो पेंशन वेंशन के हालत में अब कभी समय रह गया होगा, इस कारण से ऐसा सब कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए किसान अध्यादेश को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, तथा कांग्रेस के बाद अब किसानों ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी, जिसके तहत किसानों ने कई सामाजिक संगठनों के साथ मिल केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य को लिखित तौर पर लागू करने की मांग की, जिसका व्यापक विरोध सभी जगह चल रहा। वहीं इसका विरोध रीवा में देखने को मिला, जहाँ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में रीवा संभागायुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर एमएसपी अधिकार दिवस मनाते हुए प्रधानमंत्री के नाम रीवा संभागायुक्त कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। प्रस्तुत एक झलकी एवं किसान सुब्रत मणि त्रिपाठी व शिव सिंह से जानकारी के अंश। तीन काले कानून आए हैं, वो भी कृषि क्षेत्र में आए हैं। कानून अध्यादेश के रूप में आए हैं, बिल के रूप में नहीं आए हैं, जिससे बहस न करनी पड़े। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत आशाओं के साथ हमारे देश के किसानों ने चुना था, आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। आप ये जो कर रहे हैं ना, उससे प्रजातंत्र में लोगों का भरोसा मिट जाएगा। आपकी चुनी हुई, आपके मध्य प्रदेश में और देश में ये हो रहा है कि चुनी हुई सरकारें हटाई जा रही हैं, उन्हें खरीदा जा रहा है, विधायक बिक रहे हैं। अब सोचिए किसान कहाँ जाएंगे। किसान ने खून पसीना बहा के खेती की है, सबको भरण पोषण किया है, सबको अन्य से संपन्न किया है। आप सोच सकते हैं, 2 रुपए किलो 1 रुपए किलो अनाज देते हैं आप, किसके बल पे, किसके घर बल पे वोट मिलती है? माननीय प्रधानमंत्री जी, तीनों कृषि कानून को आपको वापस लेना पड़ेगा। आजादी के 73 साल बाद आपने फल सब्जी और किसी का भी समर्थन मूल्य नहीं दिया, सिर्फ फसलों का दिया है, वो भी आप बंद करना चाहते हैं, जो कि अन्याय है। और आप ये समझते हैं कि किसान कुछ जानता नहीं, तो हम आपसे ये मांग करते हैं कि तीनों कृषि के अध्यादेशों को सब भाषाओं में, लोकल भाषाओं में छपवा के बंटवा दीजिए पूरे हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान का किसान जिस दिन वो आदेश पढ़ लेगा, उस दिन आपको सत्ता से बाहर कर देगा। हम आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, किसानों की तीनों अध्यादेशों को वापस लीजिए। किसान देश का क्या मांग रहा है आपसे? यही मांग रहा है ना कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दो, वो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य। आपने 2014 के लोकसभा में कहा था किसानों को फसलों का वाजिब दाम देंगे, 50% मुनाफा देंगे। आप आखिर क्यों मुकर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? लोगों का विश्वास न तोड़िए, नहीं तो प्रजातंत्र से लोगों का बिल्कुल विश्वास टूट जाएगा। आपसे अनुरोध है कि एमएसपी की गारंटी आप लिखित रूप पर किसानों को दें। हम आपके चैनल के माध्यम से जो भी देश के राजनेता, संसद, विधायक, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, तो आप लिखित क्यों नहीं देते? स्टाम्प में लिख के दीजिए। जिस तरह से आप अध्यादेश लाए हैं, उसी तरह से अध्यादेश लाइए, उसी तरह से अध्यादेश और बिल लाइए, और उसमें पूरी तरह से लिखिए कि हम किसानों का, जिस तरह से आपने 2014 के लोकसभा में घोषणा की थी, किसानों के फसलों का वाजिब दाम देंगे और 50% मुनाफा देंगे, फल सब्जी सभी किसानों की जो खेती सुपस्ती फसलें हैं उनका आप न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करिए, और बिल और अध्यादेश लाके, ना कि मौखिक झूठ बोलना छोड़ दीजिए। पूरे राष्ट्रव्यापी जो है, जो किसान, किसानों के खिलाफ जो मोदी सरकार अध्यादेश लाई, उसमें आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में पूरे देश के लगभग 250 संगठन, जिसमें किसान संगठन, राजनैतिक दल और सामाजिक संगठन, मिसाबंदी जन, सारे लोग आज सरकार के इस नीति के खिलाफ हैं कि आप किसान अध्यादेश वापस लो और एमएसपी की गारंटी दो। इस तारतम्य में आज पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, और जो ये महीना है अक्टूबर का, ये गांधी लोहिया जयप्रकाश जी का ऐतिहासिक महीना है। इसी महीने में गांधी जी का जन्म हुआ था, और जयप्रकाश जी का जन्म हुआ था, लोहिया जी
की पुण्यतिथि थी अभी हाल ही में, तो पूरे देश में हम लोग कसम खाते हैं कि जो किसान की बात करेगा वो देश में राज करेगा, और नहीं तो मोदी जैसी हुकूमत को निस्तानाबूद कर दिया जाएगा। 7 अक्टूबर को अतरेला थाना क्षेत्र में एक किशोरी को घर में अकेला पा पड़ोस के ही एक नाबालिग ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद किशोरी ने अग्नि स्नान कर लिया था, जिसे परिजनों ने तत्काल अधजली किशोरी को चिकित्सालय में भर्ती किया था, जिसके उपचार के दौरान विगत शाम जिंदगी की लड़ाई हार गई, जिसका शव परीक्षण आज किया गया, जबकि इस दौरान दुष्कर्मी की नाबालिग को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे बाल संप्रसारण गृह में भेज दिया गया। वहीं इस घटना के पश्चात महिला कांग्रेस प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष कविता पांडे ने महिला सुरक्षा पर किए जा रहे बड़े बड़े वादों पर प्रश्न उठाए, यह भी आरोप लगाया कि उक्त पीड़िता के लिए भाजपा का कोई भी सांसद या विधायक हाल जानने नहीं पहुंचा, जबकि निर्भया की घटना के बाद जिले के लोग कैंडल लेकर दिल्ली गए थे। वहीं अब लगातार हो रही घटनाओं पर जनप्रतिनिधि मौन क्यों हैं? इसी कड़ी में महिला सुरक्षा को लेकर रीवा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा। प्रस्तुत पीड़िता के माँ एवं कार्यवाहक अध्यक्ष कविता पांडे से जानकारी के अनुसार बलात्कार हुई है, बलात्कार के कारण लड़की आग लगा है। यहाँ कब भर्ती करा लिया? 7 तारीख रात में। अब क्या हुआ, बच्ची कैसी हालत है? बच्ची की हालत अब खत्म हो गई। खत्म हो गई, कितने बजे? 3-4 बजे खत्म भई। पुलिस आई थी क्या यहाँ? पुलिस यहाँ नहीं आई, ना वहाँ गई। किस थाने का मामला है? कौन थाने का मामला है? अदरैला थाना के मामला है। हमारी लड़की की तबीयत कल से खराब है भाई, ज़्यादा फोन लगाते रहे, कोई फोन नहीं उठाता। विगत एक हफ्ते में रीवा जिले में 7 बलात्कार हुए हैं, जिसमें 3 सामूहिक बलात्कार हैं। एक लड़की लेबर रूम में मरना सन है, एक गूंगी बहरी लड़की मरना सन है, एक लड़की जो बसरेही गाँव की थी जवश थाना क्षेत्र, उसके साथ रेप हुआ, उसको इतना बुरा लगा, लिज्जत बदनामी लगी, उसने अपने आग लगा ली और अंततः कल उसकी मृत्यु हो गई। 90% जली थी, हम लोग अस्पताल भी गए थे, चेहरा भर बचा था ले देके। अभी दूसरी वाली लड़की है जो आए हुए हैं, टिकुरी 32 के लोग हैं और आदिवासी बेहद गरीब हैं, इनकी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और वो लड़की बहुत बुरी स्थिति में लेबर रूम में है। तो हम लोग आखिर सरकार से पूछते हैं, मोदी जी से, शिवराज सिंह जी जो कहते हैं कि हम मामा हैं आपके, आखिर आपके ऐसी अचानक क्या हुआ है कि रीवा जिले में बलात्कार की बाढ़ आ गई? नारी सुरक्षा की बात करने वालों के राज में नारी इतना ज़्यादा, मतलब उसके साथ दुष्प्रेरण हो रहा है, दुष्कृत्य हो रहा है और असुरक्षित है कि हमें तो डर लग रहा है। लोग कहते हैं कि आज आपका घर जला है, कल तो आपकी बीमारी आएगी। भारतीय जनता पार्टी के शिवराज मामा के साथ ही यहाँ जनार्दन मिश्रा सांसद हैं, 8 विधायक भाजपा की झोली में, लेकिन इन 7 की 7 रेप विक्टिम के ना तो एक भी MLA अस्पताल देखने गया, ना इनका हालचाल पूछा, ना इनके दवाई इलाज की बात करी। आज एक लड़की चली गई क्योंकि उसका इलाज संजय गांधी में हुआ, तरीके से इलाज नहीं हुआ। ये दूसरी वाली लेबर रूम में उसको भर्ती करके रखा, बहुत मुसीबत में है वो भी, उसकी बुरी हाल है। तो मैं शिवराज सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि इलाज कराइए तरीके से। क्यों चाहते हैं कि हमारी जो फूल से कलिया है वो जिंदा ना बने? आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी क्या खाक? आज स्थितियाँ बेहद ख़राब हैं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, मध्य प्रदेश 15 साल रेप कैपिटल बना रहा, और आज जिस तरीके से हर दिन सुबह से शाम नहीं होने पाती कि सूचनाएँ आने होती कि बलात्कार हो गया। आखिर शिवराज सरकार, मोदी की सरकार क्यों नहीं देन एंड देयर फैसला करती ऐसी घटनाएं में? इनकी बेटी, इनके आंसू नहीं रुक रहा है, पूरी खूना खच्चर कैसे तैसे उठाया, 13-14 टांका लगे हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स में उन लोगों ने चाकू उलेला है कि ये मर जाए ताकि न रहे बांस ना बजे बांसुरी, लेकिन सौभाग्य से वो बिटिया बच गई है। उसका इलाज कराओ शिवराज मामा, और मैं ये अनुरोध करती हूँ उनसे 50-50 लाख रुपए इनको तुरंत दिए जाए ताकि इनका परिवार पुनः समाज में खड़ा हो सके। यदि एक भी बलात्कार की घटना अब हम लोग के संज्ञान में आई तो हम रीवा में
पूरा बंद कराएंगे और हमारा आंदोलन उग्र होगा, इसकी जवाबदेही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की होगी। इतना बुरा तो कंस मामा और शकुनी भी नहीं था जितना शिवराज सिंह आपके राज में तांडव मचा हुआ है। आईपीएल के शुरुआत के साथ ही रीवा शहर में आईपीएल सट्टा की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद विगत देर रात रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के मार्गदर्शन एवं सीएसपी सचिदानंद के नेतृत्व में समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता एवं सिविल लाइन थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुखबिर से मिली सूचना पर हरिओम होटल के समीप छापामारी कर आईपीएल का सट्टा खिला रहे छोटू उर्फ अजय पांडे निवासी डिगवार विषय को गिरफ्तार कर 6,800 रुपये नगद सहित वीवो का मोबाइल एवं सट्टा पर्ची जब्त की, जबकि मुख्य आरोपी छम्मन सिंधी निवासी पदमधर कॉलोनी फरार हो गया। वहीं पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला कायम कर तलाश में जुट गई है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से जानकारी के अनुसार। ये हमारे समान थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो आईपीएल का सट्टा खेल रहे हैं फ़ोन के माध्यम से और पर्चे में लिख लिख के जमानत के तौर पर दे रहे हैं, गारंटी के तौर पर दे रहे हैं। उसी सूचना पर टीआई समान ने अपनी टीम के साथ में दबिश दी थी, जिसमें एक छोटू उर्फ अजय पांडे जो बिछे थाना क्षेत्र का रहने वाला 30 साल उम्र है वो पकड़ा गया। उससे पूछताछ में उसके द्वारा स्वीकार किया गया है कि मैं छम्मन सिंधी के लिए सट्टा लिखता हूँ। उसके मोबाइल मिला जो उसमें मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी मिली है पुलिस को और साथ में उसके पास बाकी के एविडेंस भी मिले हैं, जिससे पुलिस ने दोनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। अजय पांडे को गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया था। छम्मन सिंधी की तलाश अभी जा रही है। कितने पैसे बरामद? 6,800 रुपये बरामद हुए इसे। लगभग कितने का सट्टा होगा? इसमें क्या है कि अभी जो रिकॉर्ड है मुझे उम्मीद है कि इसमें काफ़ी बड़ा सट्टा चल रहा होगा, लेकिन जो नगद का काम है इसमें केवल 6,800 रुपये मिले हैं। प्रदेश शासन द्वारा आगामी त्योहारों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत होटल रेस्टोरेंट किराना खान पान की दुकानों को छोड़कर 8 बजे तक दुकान बंद करने के आदेश दिए थे, जिसका पालन पुलिस द्वारा कराया जा रहा था। वहीं यह भी देखा जा रहा था कि रात में खुले पान एवं चाय की गोमती में असामाजिक तत्वों को जमावड़ा लगा रहता है और आए दिन मारपीट एवं लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही थी, जिसमें अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर हाका अभियान चला, अपराधियों को खदेड़ा भी जा रहा था, जिसके जमीनी स्तर पर स्वयं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी सुकुमार वर्मा, सीएसपी सचिदानंद एवं डीएसपी यातायात मनोज वर्मा द्वारा निरीक्षण किया जा रहा था। वहीं विगत दिवस आगामी त्योहारों को लेकर विंध्य व्यापारी महासंघ ने विरोध किया, जिस पर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त बैठक कर दुकान बंद करने का समय रात 9 बजे कर दिया गया। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अनुसार। हाका अभियान निरंतर जारी रहेगा और हाका अभियान के साथ साथ त्योहारों की व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है और लोगों की डिमांड थी कि थोड़ा सा समय बढ़ाया जाए। इस पर मेरे और कलेक्टर साहब द्वारा निर्णय लेते हुए 8 से 9 बजे किया गया, ताकि लोग जो है सहूलियत के साथ अपना काम धंधा करके घर जा सकें। और रही बात तो निरंतर चेकिंग चलती रहेगी और त्योहारों के मद्देनज़र चेकिंग लगातार जारी रहेगी और अपराधियों पर कार्रवाई निरंतर होती रहेगी। होटल वगैरह में सर कितने बजे क्या था? होटल 10 बजे तक का नियम है। जनता को यही कहना कि सहयोग करें, अब रातें लंबी हो रही हैं तो समय से घर जाएं और घर जाना बहुत ज़रूरी है। कोरोना ख़त्म हो गया, अपनी व्यावसायिक गतिविधि समाप्त करके सीधे घर जाएं, घर में परिवार के साथ समय बिताएं और कोरोना से बचें और अपने परिवार को भी कोरोना से बचाएं। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। रिटायरमेंट के पूर्व वसूली में जुटे पुलिस अधीक्षक, अपने जाति वालों को दिया जा रहा थाना, कहा मनगावा विधायक पंचूलाल ने। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लिखित में देने किसानों ने एमएसपी दिवस मना, रीवा संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा। आईपीएल के सट्टे पर पुलिस का छापा, 6,800 रुपये सहित एक आरोपी गिरफ्तार। आज की खबरों में बस इतना ही, कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।